ये है AirPods Pro फर्स्ट जनरेशन जो कि 2019 में लॉन्च हुए थे, और ये है हमारे पास AirPods Pro सेकंड जनरेशन जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। इसके फीचर्स वगैरह अच्छे से टेस्ट करेंगे कि क्या क्या नए फीचर्स आए हैं और आपको लेने भी चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको पुराने वाले AirPods Pro ही लेने चाहिए। दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर देखते हैं कि कौन से बेटर रहते हैं। मतलब बेटर तो ऑब्वियसली ये नए वाले होंगे, बट ये देखेंगे कि ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, बट उससे पहले अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो मेरा नाम जय है, चैनल का नाम है टकीला, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे बॉक्स पे आप देख सकते हो पहले जैसी बॉक्स है, कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा। बस यहाँ पे इन्होंने AirPods Pro सेकंड जनरेशन लिखा हुआ है पीछे। ये पुल स्ट्रिप्स मिलती है जो कि बिल्कुल भी कोई प्लास्टिक रैपिंग नहीं है जैसे आईफोन के डब्बे में होता है। तो इसको जल्दी से खोल देते हैं। अब इसको निकालते हैं बाहर। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। और ये है हमारे पास हमारे AirPods Pro सेकंड जनरेशन। एक लाइटनिंग टू टाइप सी केबल है, यहाँ पे अपने पास है ये वाले तीन एयर टिप्स आते हैं इसके अंदर। इस बार ये नया एक्स्ट्रा स्मॉल साइज भी आया है जो कि पहले नहीं आता था। जितना भी आपका कान बड़ा होगा छोटा होगा इसके अंदर फिट हो जाएंगे, मतलब ये उसके अंदर फिट हो जाएंगे। कोई एप्पल स्टिकर नहीं है इसके अंदर, पुराने वाले मुझे याद नहीं कि था कि नहीं। अब आ जाते हैं AirPods पे। तो इस तरह के हैं हमारे AirPods, और ये अगर आप देख सकते हो ये मैंने इंग्रेव कराया हुआ है, एप्पल की वेबसाइट से खरीदा है, इसीलिए इसके ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ है टकीला। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, बाहर से देखो वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, कोई खास फर्क नहीं है। जो फर्क है वो ये है कि यहाँ पे अब आप एक स्ट्रिंग अटैच कर पाओगे, और इसके साथ अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे अब आपको स्पीकर ग्रिल्स भी मिलती हैं। और अगर इसको बाहर निकालते हैं ऐसे दिखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई खास फर्क नहीं है। ये लेफ्ट वाले AirPods Pro सेकंड जनरेशन है, राइट वाले फर्स्ट जनरेशन है। फर्क सिर्फ ये है कि जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है ये पुराने वाले में थोड़ी बड़ी है, और जो नए वाले हैं इसके अंदर छोटी सी स्ट्रिप है। इसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा दोनों में। बाकी केस बिल्कुल सेम है, साइज सेम है, डिजाइन सेम है। केस को अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो निकल जाता है, बट बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं तभी निकलता है, ऐसे आसानी से करोगे तो नहीं निकलेगा। बाकी यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस है, ये जो पुराने वाले हैं ये सेल में आपको 20,000 से भी कम के मिल जाएंगे, बट ये जो नए वाले हैं ये अभी 27,000 के ऑर्डर किए हैं मैंने एप्पल की वेबसाइट से। अब देखना हमने ये है कि ये एक्स्ट्रा प्राइस पे करने का हमको कोई बेनिफिट भी मिलता है या फिर नहीं। तो ये तो हो गया इनका फिजिकल ओवरव्यू, बट अब मैं इनको अच्छे से टेस्ट करता हूँ कि इनकी बैटरी लाइफ कैसी है, फीचर्स क्या कुछ नए ऐड हुए हैं, और ये नए वाले कितने बेटर है इस पुराने वाले से, सब कुछ अच्छे से देखते हैं। तो मैं जाके इसको टेस्ट करता हूँ, फिर वापस आके आपको बताऊंगा कि कैसे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो पिछले 3 दिन से मैं नए AirPods को टेस्ट कर रहा हूँ, और इसकी कॉल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, फीचर्स, बैटरी, सब कुछ मैंने अच्छे से टेस्ट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे लगे ये। तो जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी मुझे लगा था कि ये पुराने वाले जैसी दिखते हैं, पुराने वाले पे मैंने कवर चढ़ाया हुआ है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, बट बहुत ज्यादा फर्क है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ डिफरेंस है। तो सबसे पहले साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। ये पुराने वाले की साउंड क्वालिटी पहले से इतनी अच्छी थी, बट ये जो नए वाले AirPods Pro है इसकी साउंड क्वालिटी आपको नोटिसेबली बेटर लगेगी। वो इसलिए क्योंकि इसके जो मिड्स, लोज, हाईज सारे अच्छे से डिफरेंशिएटेड है। मतलब जो आवाज आती है ऐसे पूरी खुल के आती है। अगर आप इसको साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि इसकी आवाज थोड़ी सी दबी हुई है, बट इसकी आवाज आपको काफी ज्यादा ऐसे खुली खुली सी आवाज आती है। हर चीज अच्छे से सेपरेटेड है, चाहे आप कोई बीट्स वाले गाने सुनो जैसे दिलजीत के गाने, या फिर आप कोई सैड सॉन्ग सुन लो चाहे अरिजीत के गाने, दोनों में आपको ये बेटर लगेगा। एंड वो इसलिए क्योंकि यहां पर हमको नए ऑडियो ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर बेस भी आपको बहुत ही बेटर मिलती है, काफी ज्यादा बेस आ रही है इनके मुकाबले। अब आ जाते हैं इसकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे। तो जो AirPods Pro 1 थे इसकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पहले इतनी जानी मानी थी, किसी भी और ईयरबड्स में इसके जितनी अच्छी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आज तक नहीं आई थी। और यहाँ पे एप्पल का कहना है कि ये जो नए वाले AirPods Pro 2 हैं इसके अंदर आपको 2 times बेटर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलती है ये पुराने वाले से। एंड मैंने चेक भी करके देखा, आपने इसको एक्टिवेट करने के लिए ऐसे सिंपली पिंच और होल्ड करना है, और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी मोड से एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में अपने आप ये स्विच हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे 2 times बेटर तो शायद नहीं लगी, बट डिफरेंस आपको डेफिनेटली फील होगा। मतलब यहाँ पे आपको अगर आप इसकी ANC ऑन करते हो तो आपको हल्की फुल्की बाहर की नॉइज सुनाई देती, बट इसके अंदर वो चीजें टोटली कैंसिल हो गई थी। मतलब आपको आसपास क्या हो रहा है बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर देता है ANC ऑन करने के बाद। फिर मैंने नए वाले पे कॉल्स वगैरह भी लेके देखी, वैसे पुराने वाले में पहले कोई दिक्कत नहीं थी कॉलिंग की, बट यहाँ पे नए वाले में भी मैंने कॉल्स वगैरह ली और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अंदर माइक्स इंप्रूव किए हैं एप्पल ने, तो वो चेक करने के लिए मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। अभी तो आप आवाज सुन रहे हो, मैं AirPods Pro फर्स्ट जनरेशन से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेन रोड पे हूँ तो ट्रैफिक है थोड़ा आसपास, तो देखो किस तरह से नॉइज को कैंसिल कर रहे हैं। अब मैं स्विच करने लगा हूँ AirPods Pro सेकंड जेन पे, फिर देखते हैं कैसे आवाज आती है। तो अब मैं स्विच कर चुका हूँ AirPods Pro सेकंड जेन पे, जो नए वाले AirPods हैं, और यहाँ पे मैंने अपने एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल लगाई, और अभी आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो ये देखो किस तरह की आवाज आ रही है। मेरे हिसाब से नए वाले की क्वालिटी बेटर होगी क्योंकि हमें माइक्स भी बेटर है, इम्प्रूव किए हैं इन्होंने। तो ये सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि 2 के माइक्स बेटर है 1 से, बट स्टिल कॉलिंग में आपको दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दोनों में अच्छे से कॉलिंग हो जाएगी। तो हमने इसकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो देख ली, बट अब दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है इसका ट्रांसपेरेंसी मोड। यहाँ पे एप्पल ने एक नया अडैप्टिव ट्रांसपेरेंसी मोड ऐड कर दिया इसके अंदर। अब ट्रांसपेरेंसी मोड होता क्या है, इससे क्या है, जब आप इसको एक्टिवेट कर देते हो तो जो AirPods के माइक होते हैं वो आपके आसपास की
की नॉइजेस को उठा के एम्पलीफाई करके आपके कानों में सुनाते हैं। बट ये जो नए वाले में जो अडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी मोड आया है, इसका क्या फायदा है कि अगर आपके आसपास कोई लोग बात कर रहे हैं, आपसे कोई बात कर रहा है, वो सब आपको इजिली सुनाई देगा। पर अगर कोई हार्श नॉइजेज है, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन की नॉइज है, या फिर कोई बहुत तेज हॉर्न बजा रहा है, या फिर कोई ढोल बजा रहा है आपके आसपास, तो वो नॉइजेस को आपके एयरपॉड सप्रेस कर देंगे और एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की आवाज बना के आपको सुनाएंगे। और जो नॉइजेस की जो प्रोसेसिंग है, ये 48,000 टाइम्स होती है एक सेकंड के अंदर। तो ये सारा काम जो कर रही है वो एप्पल की नई एज 2 चिप कर रही है। एंड ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखो, रियल टाइम में नॉइजेस को डिफरेंशिएट करना, कौन सी नॉइज लाउड है, कौन सी स्लो है, इन सबको एक इक्वल फ्रीक्वेंसी पे लाना और आपको सुनाना, वो भी रियल टाइम में, ये बहुत बड़ी बात है करनी। एंड इस सब का फायदा ये है कि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आप इजिली उसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, आपको सब कुछ इजिली सुनाई देगा और जो भी हार्श नॉइजेज है वो आपके कानों को चुभेगी नहीं और आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील कराएंगी। फिर यहाँ पे एक नया फीचर आपको मिलता है एयरपॉड्स प्रो के सेकंड जन में, जो है पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो, जो कि एयरपॉड्स 3 में भी आया था। इससे क्या है कि जो आपका आईफोन है उसका फ्रंट कैमरा और डॉट प्रोजेक्टर आपके कान का एक 3D मॉडल बना लेंगे, उसको स्कैन करेंगे टू गिव यू द बेस्ट ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस। तो आप देख ही सकते हो एप्पल काफी नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको नए वाले एयरपॉड्स प्रो में एक नई U1 चिप मिलती है जो कि एयर टैग्स में आती है। तो अगर आपके एयरपॉड्स कहीं पे गुम हो जाते हैं तो आप इसको इजिली फाइंड कर सकते हो, इवन की प्रिसीजन फाइंडिंग भी कर सकते हो। मैंने ट्राई करके देखा, बहुत अच्छे से काम करता है। इवन की अगर आपका एक साइड का एयरपॉड भी कहीं पे गिर जाता है तो उसको भी ये फाइंड कर लेगा, जबकि पुराने वाले में कोई U1 चिप नहीं आती तो आप इसकी प्रिसीजन फाइंडिंग नहीं कर सकते। फिर अगर पुराने वाले एयरपॉड्स प्रो से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ भी इंक्रीज मिलती है। यहाँ पे आपकी अगर 50% वॉल्यूम है और ANC ऑन है तो आपको कंबाइंड जो बैटरी बैकअप मिलता है वो मिलता है 30 hours का। एंड अगर आप इसको 5 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 1 घंटे का लिसनिंग टाइम मिल जाता है। बाकी मैंने जब से आई है इसको सिर्फ एक बार ही चार्ज किया है और इसको इजिली यूज किया है, बैटरी लाइफ की मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छे से काम किया है इसने। साथ में इसको चार्ज करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको लाइटनिंग केबल से चार्ज कर सकते हो, अगर आपके पास मैगसेफ चार्जर है तो उस पर रख के चार्ज कर सकते हो क्योंकि वायरलेस चार्जिंग है। साथ में अगर आपके पास एप्पल वॉच का चार्जर है तो उससे भी ये चार्ज हो जाएगा। और इसके केस के बैक साइड पे मैग्नेट्स हैं जिसकी वजह से ये खुद को अलाइन कर लेते हैं मैगसेफ के ऊपर। साथ में एक और नया फीचर आ गया जो कि काफी रिक्वायर्ड था, इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल करने की भी ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप इसके स्टेम पे ऐसे स्लाइड करोगे ऊपर नीचे तो आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। एयरपॉड्स प्रो 1 में ये नहीं था, अब 2 में ये डाल दिया है। फिर IPX4 वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट है, ये पहले वाले भी थे, इस बार भी हैं। और इनको पहनने के बाद आप हे सिरी बोल के कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आपको जो सिरी है वो नोटिफिकेशंस पढ़ के सुनाती है, रीड आउट करती है। तो ये सारे फीचर्स ऑब्वियसली इसके अंदर हैं। तो ये थे इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंसेस जो कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब बात आती है कि आपको ये नए वाले लेने चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर तो आपके पास पहले से एयरपॉड्स प्रो 1 है तो क्या आपको इसको अपग्रेड करना चाहिए? तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। देखो यार, मैं बताता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये का तो मैं ये नए वाले प्रेफर करता। बट अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे 8-9 हज़ार का डिफरेंस मिल रहा है दोनों के प्राइस में, तो आप पुराने वाले भी ले सकते हो क्योंकि ये भी प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज डालता हूँ। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।